श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि भारद्वाज कुलाब्धिशीत किरण श्री श्रीनिवासाद् गुरोः लब्ध श्रीधर चक्र लांछन विधिं रंगेन्द्र योगीश्वरे विन्यस्तात्मभरं तदीय करुणा संप्राप्त सज्ञानकं वंदे शांतिदमादियुक्तमनघं श्रीमाधवार्यं कुरुम्। श्री स्तुति में तृतीय श्लोक का अर्थ आज वर्णनीय है। तृतीय श्लोक इस प्रकार है, स्तोतव्यत्वं दिशति भवती देहि भिस्तूयमाना तामेव त्वामनितरगतिहि स्तोतुमाशंसमानः सिद्धारम्भः सकलभुवनश्लाघनीयो भवेयम् सेवापेक्षा तव चरणयोः श्रेयसे कस्य न स्यात्। स्तोतव्यत्वं दिशति भवती देहिभिः स्तूयमाना ताम एव त्वाम अनितरगतिः स्तोतुम आशंसमानः सिद्धारम्भः सकलभुवनश्लाघनीयः भवेयम् सेवापेक्षा तव चरणयोः श्रेयसे कस्य न स्यात्। ऐसा पदच्छेद है, बहुत ही एक अद्भुत भाव को इसमें वेदांत देशिक जी कहते हैं। आपकी चरणारविंद की सेवा करने की इच्छा, तव चरणयो हो श्रेय से कस्य न स्यात्, और ऐसी सेवा अपेक्षा तव चरणयो हो श्रेयस तव चरणयो हो सेवापेक्षा कस्य श्रेयसे न स्यात्, किसकी श्रेयस के लिए कारण नहीं बनेगा। आपकी चरणारविंद की सेवा अवश्य सबके लिए श्रेयस के लिए बनेगा, ये मतलब है। अर्थात श्रेयस यानी मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति अर्थ उपायों में आपकी सेवा, आपका जो कैंकर्य है, आपकी सेवा है, वही कारण कैसे नहीं बनेगा, श्रेयस के लिए कैसे नहीं बनेगा, अवश्य बनेगा। ये अर्थ में तव चरणयो हो सेवापेक्षा कस्य श्रेयसे न स्यात्, अर्थात हरेक व्यक्ति जो भगवती लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं उनके लिए श्रेयस का मार्ग अवश्य खुलेगा, ये अर्थ निकलता है। और बाकी तीन लाइन तीन वाक्यों में तीन पादों में क्या कहते हैं, देही भी स्तूयमाना भवती, हम जैसे देहवान व्यक्ति शरीरवान व्यक्तियों से स्तूयमाना स्तोत्र की जाने वाली हे माता लक्ष्मी जी भवती आप स्तोतव्यत्वं दिशति, हम आपकी स्तुति करेंगे तो हमें भी बाकी लोगों से स्तुत्यता बनती है, अर्थात बाकी लोग हमारी स्तुति करते हैं, हमारे लिए भी स्तोतव्यत्व को देने वाली आप हैं। अर्थात जब तू हमसे स्तुति की जाती हो तब हमारी भी स्तुति दूसरों से की जाती है, अर्थात इस ये आपकी कृपा से होती है। लक्ष्मी सहस्र का संपूर्ण अर्थ कहने के लिए दास के लिए जब मौका मिला, ये संपूर्ण हुआ तो काफ़ी प्रशंसा मिली, काफ़ी लोग उसको सुने, काफ़ी लोग जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि आपकी जो आपका जो लक्ष्मी सहस्र है वो मैंने सुना है, संपूर्ण रूप से सुन चुकी हूँ अथवा सुन चुका हूँ, ऐसा बोलने वाले जो हम संप्रदाय के अनुयायी लोग उपलब्ध हैं मिलते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी जी की स्तुति दास ने नहीं किया है और किसी से किया हुआ की गई स्तुति को केवल अर्थवर्णन करने के लिए ही इतनी प्रशंसा दास के लिए मिलता है, तो
वस्तुतः स्तुति स्तुति करने वालों के लिए कितना मिलेगा। ये अपार स्तोतव्यत्व लोगों के लिए मिलता है, अर्थात लक्ष्मी जी की स्तुति करके स्वयं स्तुत्य बन जाते हैं। ये अर्थ को पहले पाद में कहते हैं, स्तोतव्यत्वं दिशति भवति देहिभिः स्तूयमाना, अर्थात देहिभिः स्तूयमाना भवति, शानच प्रत्यय आया है, स्तूयते 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 आत्मनेपदि धातु होने की वजह से शानच प्रत्यय आकर स्तूयमाना किन किन लोगों से, देहिभिः शरीरवद्भिः अस्माभिः स्तूयमाना, हम जैसे लोगों से, शरीरवान लोगों से, अर्थात कर्मकृत शरीर को धारण करने वाले हम जैसे सामान्य लोगों से स्तुति की जाने वाली आप हमारे लिए भी बाकी लोगों से स्तोतव्यत्व जैसे बन जाता है वैसा आप कराती हो। तामेव त्वाम अनितरगति ही स्तोतुम आशंसमानः, इसलिए मैं भी तामेव त्वाम वैसा स्तोतव्यत्व को हम जैसे लोगों को दिलाने वाली आपको अनितरगति ही अनन्यगतिकतया, अर्थात दूसरी रास्ता नहीं है, आपकी स्तुति करने के सिवाय दूसरी रास्ता ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आकर मोक्ष मिलना है तो अवश्य करना चाहिए लक्ष्मी जी की स्तुति, ऐसी भावना से स्तोतुम आशम समानहा स्तोत्र करने के लिए इच्छा करते हुए दास सकल भुवन श्लाघनीय सिद्धारंभ च भवेयम सिद्धारंभ, अर्थात मेरी जो प्रारंभ है, ये मेरा जो प्रारंभ है स्तोत्र करने के लिए जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न प्रारंभ होते होते, प्रारंभ होने के बाद सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए, ऐसा सिद्धारंभ भवेयम, अर्थात जिसकी जिस जो भी प्रारंभ है वो सिद्धि की ओर जाती है उस, और जिस व्यक्ति के लिए ऐसा प्रारंभ सिद्धि के ओर जाता है वो व्यक्ति को सिद्धारंभ कहते हैं। सिद्धारंभ सिद्ध आरंभ यस्य, आरंभ करते वक्त ही उसकी फल सिद्धि अवश्य मिल जाएगी, ऐसी जो स्थिति है ऐसा मैं बन जाऊं, अर्थात मेरा प्रयत्न सफल हो जाए, ऐसा सिद्धारंभ भवेयम सकल भुवन श्लाघनीय भवेयम, सब दुनिया भर के लोग मेरी प्रशंसा करें, अर्थात श्री स्तुति किए हैं वेदांत देशिक, कितना सुंदर है, उसे कहने वालों को आज भी धन प्राप्ति होती है। उस दिन जिस दिन वेदांत देशिक जी ने इसे कांचीपुरम क्षेत्र में महालक्ष्मी जी के सामने प्रस्तुत किए, तब एक ब्रह्मचारी के लिए विवाह के लिए अपेक्षित धनराशि मिली, अर्थात वहाँ ही एक और धनवृष्टि हुई, अर्थात सोने का जो सिक्काएं वहाँ गिरे, इस प्रकार की अद्भुत घटना कांचीपुर क्षेत्र में जो हुई है एक ब्रह्मचारी के लिए, स्तुति के स्तुति को प्रारंभ करके सिद्धारंभ बने थे उसी को इधर सिद्धारंभ सकल भुवन श्लाघनीय, सभी दुनिया के जो वरिष्ठ भक्त लोग हैं वो इस स्तुति को करके मेरी प्रशंसा करने वाले बने और मेरी प्रशंसा भी मिले, अर्थात सकल भुवन प्रार्थ श्लाघनीय भवेयम अहम, क्योंकि वो तो प्राप्त होने ही वाला है, क्योंकि स्तोतव्यत्व तो आप देती ही हो, अर्थात आपको हम स्तुति करेंगे तो हमारी स्तुति भी बन जाए ऐसा काम आप करती हो, इसलिए मुझे भी वो मिलेगा फल, अविनाभूत है, क्रिया अविनाभूत फल है, क्रिया होगी तो जरूर फल अवश्य मिलेगी, ऐसी परिस्थिति में सिद्धारंभ भवेयम सकल भुवन श्लाघनीय भवेयम, ऐसी प्रार्थना करके सेवा अपेक्षा तव चरणयोः श्रेयसे कस्य न स्यात्, आपकी चरणारविंद की स्तुति करने की सेवा अगर मिले तो वो किसकी श्रेयस के लिए हेतु नहीं बनेगा, हर एक व्यक्ति जो भी भगवान भगवती लक्ष्मी जी की सेवा किसी भी प्रकार की सेवा करें उनकी श्रेयस निर्णीत है, अर्थात उनके श्रेयस का मार्ग प्रशस्त अवश्य मिलेगा, इसलिए
सेवापेक्षा तव चरणयो श्रेयसे कस्य न स्यात्। किसको नहीं मिलेगा श्रेयस? अगर आपकी सेवा करने के लिए शुरू कर दिए हैं तो उसको श्रेय प्राप्ति अवश्य मिलने वाली है। किसको नहीं मिलेगा? इसलिए मुझे भी मिलेगा। तू सबके लिए स्तोतव्यत्व को देती ही है। जब तू स्तुति की जाती हो तब मेरे लिए भी वो फल अवश्य मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? आपकी सेवा करने वालों को। इसलिए मुझे भी मिलेगा। ये अर्थ को स्पष्ट करते हैं। स्तोतव्यत्वं दिशति भवति देहिभिस्तूयमाना तमेव त्वामनितरगतिहि स्तोतुमाशं समानः सिद्धारम्भ सकलभुवन श्लाघनीयो भवेयम् सेवापेक्षा तव चरणयोः श्रेयसे कस्य न स्यात्। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। दास।